नमस्कार फ्रेंड, मैं आपको अपना राहुल, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आया हूं। ये वीडियो आपके लिए काफी खास और स्पेशल है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको फोटो से एनिवर्सरी वीडियो बनाना सिखाऊंगा। तो आप भी अगर फोटो से एनिवर्सरी वीडियो बनाना चाहते हैं, वो भी सॉन्ग के साथ, तो मेरी वीडियो को बिना स्किप के वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एनिवर्सरी वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है। तो चलिए प्ले स्टोर को क्लिक कर लेते हैं। तो ये प्ले स्टोर को क्लिक कर लिए हैं। अब यहाँ पे आपको देखिए सर्च का ऑप्शन दिख रहा है, ये देखिए, इसको क्लिक करना है। तो इसको क्लिक कर लेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे सर्च करने के लिए आ गया है। तो यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है एनिवर्सरी वीडियो मेकर। क्या सर्च करना है? एनिवर्सरी वीडियो मेकर। तो देखिए यहाँ पे एनिवर्सरी वीडियो मेकर मैंने सर्च करके रखा है, आप जो है यहाँ पे वो टाइप कर लीजिएगा। तो चलिए एनिवर्सरी वीडियो मेकर को क्लिक कर लेते हैं। तो इसको क्लिक कर लेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको चौथे नंबर में एनिवर्सरी वीडियो मेकर दिख रहा है, इसको आपको क्लिक करना है। तो इसको क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए हमारा ऐप जो है यहाँ पे आ गया है, एनिवर्सरी वीडियो मेकर। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। अगर ये आपको नहीं मिलता है तो इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ जाके आप इसको जो है इसको वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ओपन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसको आपको क्लिक करना है। तो इसको क्लिक कर लेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, देखिए हमारा ऐप जो है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपको स्लाइड शो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसको आपको क्लिक करना है। तो इसको क्लिक कर लेते हैं। जैसे क्लिक करेंगे, एक छोटा सा ऐड देखिए, इसको ऊपर से कट कर लेना है। तो इसको कट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको सिंगल फोटो और एक मल्टीपल फोटो का ऑप्शन दिख रहा है। तो जो मल्टीपल फोटो है इसको आपको क्लिक करना है। तो इसको क्लिक कर लेंगे। अब देखिए हमारा गैलरी ओपन हो चुका है। अब यहाँ से आपको जो है फोटो सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब गैलरी है तो इसको मैं जो है ब्लर कर दिया हूँ। आप यहाँ पे गैलरी ओपन हो जाएगा, वहाँ से आपको फोटो सेलेक्ट कर लेना है। तो ये मैं फोटो सेलेक्ट कर चुका हूँ। अब ऊपर में देखिए यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इसको आपको क्लिक करना है। तो इसको क्लिक कर लेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे स्क्वायर और वर्टिकल आया है। तो स्क्वायर में है तो इसको इसी में रहने दीजिएगा, और जो कंटिन्यू दिख रहा है इसको आपको क्लिक करना है। तो इसको क्लिक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, अब देखिए फिर यहाँ से कट कर लीजिएगा ऊपर से। अब देखिए मैंने इतना फोटो सेलेक्ट किया है। अब आपको और कुछ नहीं करना है। ऊपर में नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इसको आपको क्लिक करना है। तो इसको क्लिक कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे नीचे में देखिए, ये देखिए बहुत सारा जो है हैप्पी एनिवर्सरी लिखा हुआ है। तो ये वीडियो के शुरू में आएगा। तो चलिए कोई एक सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं ये हैप्पी एनिवर्सरी वालों को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, फिर ऊपर से कट कर लीजिएगा। अब देखिए ये फर्स्ट के लिए हो गया है, वीडियो के स्टार्टिंग के लिए। अब देखिए इंड लिखा है, इसको आपको क्लिक करना है। तो इसको क्लिक कर लेंगे। अब लास्ट के लिए चलिए कोई थैंक यू वाला यहाँ पे पेज सेलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसको क्लिक कर ले। अब देखिए ये लास्ट के लिए हो चुका है। अब आपको क्या करना है, ऊपर में नेक्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, इसको आपको क्लिक करना है। तो इसको क्लिक कर लेते हैं। अब देखिए बिल्कुल इस तरीके से देखिए वीडियो जो बना है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसमें आप और बहुत कुछ चीज़ें कर सकते हैं। अभी देखिए ये जो है ट्रांजिशन है, जो फोटो आ रहा है वीडियो के साथ में, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। तो इसको साइड में देखिए, और इधर बहुत सारा ये देखिए। तो इसमें से कोई भी आप कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। मेरे को ये अच्छा लग रहा है, मैं इसको रहने देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे इफ़ेक्ट पहले से डाला हुआ है, तो इसमें इफ़ेक्ट का ऑप्शन नहीं है, एक ही तो है हार्ट वाला। तो ये जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो इसको रहने देते हैं। अब देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर में फ्रेम का ऑप्शन दिख रहा है, इसको आपको क्लिक करना है। तो इसको क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ से कट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारा फ्रेम आ गया है, ये देख सकते हैं। तो चलिए कोई सा भी एक फ्रेम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए मैं एक फ्रेम सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये फ्रेम सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो ये फ्रेम सेलेक्ट हो चुका है, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे म्यूज़िक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इधर साइड में, इसको आपको क्लिक करना है। तो इसको क्लिक कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे म्यूज़िक है, इसमें का म्यूज़िक है, या फिर आप चाहें तो आप गूगल से डाउनलोड करके अपना मनपसंद एनिवर्सरी सॉन्ग डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये म्यूज़िक दिख रहा है, इसको क्लिक करना है। तो इसको क्लिक करने पे जो आप डाउनलोड किए हैं वो आ जाएगा, वो सॉन्ग आ जाएगा। तो चलिए इसमें से मैंने डाउनलोड करके रखा है कोई एक, मैं इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ये देखिए इसमें वीडियो में सेलेक्ट हो चुका है। अब ये ऊपर में ऐड म्यूज़िक लिखा है, इसको आपको क्लिक करना है, फिर ये जो है वीडियो में सेलेक्ट हो जाएगा सॉन्ग। तो चलिए ऐड म्यूज़िक को क्लिक कर लेते हैं। इसको क्लिक कर लेंगे। अब देखिए इसमें म्यूज़िक भी ऐड हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसको आप क्लिक करके देख लीजिए। तो चलिए इसको क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही क्लिक किए हैं, यहाँ पे आप जिसका भी एनिवर्सरी है उसका नाम लिख सकते हैं। तो चलिए मैं अपना नाम लिख लेता हूँ।
चलिए मैं राहुल लिख लिया। और यहाँ पे देखिए फॉन्ट तो आपको दिख रहा है बहुत सारा, तो जो भी फॉन्ट आपको अच्छा लगता है उसको आप इसमें लगा सकते हैं। मेरे को ये अच्छा लग रहा है, मैं रहने देता हूँ नॉर्मल। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, फॉन्ट भी चेंज कर लीजिएगा। अब ऐड का ऑप्शन दिख रहा है, इसको आपको क्लिक करना है तो इसको क्लिक कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये नाम भी ऐड हो गया है, इसको आप कहीं भी चाहें उधर कर सकते हैं, ऐसे पकड़ के ये देख सकते हैं। मैं यहाँ पे रहने देता हूँ, अच्छा लग रहा है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए साइड में स्टिकर का भी ऑप्शन है, इसको आपको क्लिक करके देख लेना है। चलिए इसको क्लिक कर लेते हैं, इसको क्लिक कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे आपको जो है स्टिकर भी मिल जाएंगे इस तरीके से, तो आपको जो स्टिकर अच्छा लगता है उसको आप इसमें लगा सकते हैं। तो चलिए मैं कोई एक स्टिकर ले लेता हूँ आपको दिखाने के लिए, इसको ले लेता हूँ। ये देखिए स्टिकर काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसको भी आप जहाँ चाहते हैं वहाँ कर सकते हैं, इधर साइड में इधर, या इसको छोटा भी कर सकते हैं बिल्कुल इस तरीके से, छोटा करके इसको कहीं भी साइड में लगा सकते हैं। यहाँ पे रख लेता हूँ, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो देखिए बिल्कुल सब काम हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ, देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आप भी ऐसा एनिवर्सरी वीडियो बना सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छा रहेगा, और इसको अगर आप बना के स्टेटस डालते हैं या फिर जिसका एनिवर्सरी उसको भेजते हैं तो उसको काफ़ी अच्छा लगेगा। अब देखिए ऊपर में एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसको आपको क्लिक करना है, तो इसको क्लिक कर लेते हैं। अब देखिए हमारा वीडियो जो है वो डाउनलोड हो रहा है, 100 होने के बाद ये डाउनलोड हो जाएगा और आपकी गैलरी में भी चला जाता है। तो देखिए चलिए इसका थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ये देखिए हमारा वीडियो डाउनलोड हो चुका है जो कि काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। तो ये आपके गैलरी में भी सेव हो गया है, या फिर आप चाहें तो यहाँ से व्हाट्सअप में, फेसबुक में या फिर इंस्टाग्राम में भी शेयर कर सकते हैं यहीं से। और इस तरीके से एनिवर्सरी वीडियो बना के आप किसी को भी सेंड कर सकते हैं, स्टेटस डाल सकते हैं, और जिससे कि सामने वाले का जिसका एनिवर्सरी है उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा और उसका एनिवर्सरी जो है वो काफ़ी खास और स्पेशल हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर इंस्टा के थ्रू भी बता सकते हैं। इंस्टा आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाकर फॉलो कर सकते हैं और जो भी डाउट है, प्रॉब्लम है, उसको इंस्टा के थ्रू बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।